मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला हनोगी में ब्यास नदी पर हनोगी खोला नाला सड़क पर केवल आधारित मोटर योग्य डबल लेन पुल की आधारशिला रखी। इसके निर्माण पर 15.85 करोड़ रुपए व्यय होंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस पुल के बन जाने से जिले के सरास तथा द्रंग क्षेत्र के बीच बेहतर आवाजाही सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि यह पुल पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का ये पहला केवल आधारित पुल होगा और 2 वर्ष में इसका कार्य पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वांदी कांडा सड़क, कांडी बंदोलिया और करेड़ी सड़क के निर्माण के लिए क्रमशः 10 लाख और 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने प्राथमिक विद्यालय कुकलाह को प्राथमिक विद्यालय 17 उन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने साल्टी में उप स्वास्थ्य केंद्र तथा पशु औषधालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला साल्टी में विज्ञान खंड का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए ग्राम पंचायत वांदी को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने करथाच काड़ूधार में हेलीपैड के निर्माण के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा भी की। आज एक बहुत ही नई शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हमने यहां पर स्कूल के शिलान्यास के साथ की है। केबल स्टेट ब्रिज, ये जो नई टेक्नोलॉजी, ये हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार इस प्रकार का पुल का निर्माण हो रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि ये बहुत लंबे समय से एक मांग हमारे क्षेत्र के लोगों की थी, क्योंकि सारी वैली को जोड़ने का ये रास्ता एक यहां से बनता है और मेरे क्षेत्र का सबसे दुर्गम इलाका जिसको बोल सकते हैं, जहां सड़कें अभी तक नहीं है और सड़कों के साथ साथ जब ये पुल बन जाएगा तो पूरा वैली उसमें कनेक्ट हो जाएगी और ये यहां पर जो है हम मुझे लगता है कि पर्यटकों के लिए भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। हनोगी ऐसे भी टूरिज्म की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, हालांकि यहां बड़ा छोटा सा एक पैदल पुल यहां पर लगा है, लेकिन हजारों की तादाद में हर वर्ष यहां पर जो है सैलानी आते हैं, उतरते हैं, फोटो खींचते हैं, वो भी कायम रहेगा, यथास्थिति में रहेगा। और उसके साथ साथ में ये नया पुल और 15.85 करोड़ की लागत से ये पुल यहां पर बनकर के तैयार होगा और हमने लक्ष्य दिया है कि 2 साल के अंदर यह पुल बनकर के तैयार होना चाहिए ताकि क्षेत्र की जनता के लिए इसका लाभ मिले और ये दोनों क्षेत्रों को, द्रंग विधानसभा क्षेत्र और हमारे सराय विधानसभा क्षेत्र को जोड़ता है और विशेष तौर से हमारा नेशनल हाईवे के साथ ये कनेक्ट होता है, लेन के साथ कनेक्ट होता है और जो मनाली के लिए जाता है, तो उस दृष्टि से इस पुल का बड़ा महत्व है और क्षेत्र की जनता के लिए भी मैं बधाई देता हूं। और खास तौर से मैं इसमें जो जिन साथियों ने आज यहां पर अपनी जमीन, प्राइवेट लैंड जो है, जो इसमें इस पुल की इसमें आ रही है जहां ये पुल का निर्माण होगा, तो उसमें उन्होंने जो अपना सहयोग दिया उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, सर्वे ओएलएस सर्वे हो रहा है वहां पर और ओएलएस सर्वे एक इनिशियल स्टेज का जो सर्वे होता है उससे एक एडवांस स्टेज है, अगली स्टेज है और हम लगे इस काम में लगे हैं। एरियल सर्वे का विषय तो सिर्फ इतना है कि थोड़ा और ज्यादा उसमें सुविधा उनको होगी, जो टेक्निकल साइड से, जो दिल्ली से जो इंजीनियर आए हैं उनको हम एरियल व्यू देंगे एक बार, तो उसके बाद भी क्या स्कोप निकल सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एयरपोर्ट बने और ताकि जो कनेक्टिविटी का इशू हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एक विकास के रास्ते में वादा है उसको हम सुधार। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में विकास की गति को बल मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री का पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन के उन्नयन के लिए केंद्रीय रेल मंत्री को मनाने के लिए धन्यवाद किया। द्रंग के विधायक जवाहर ठाकुर ने मुख्यमंत्री को अपने विधानसभा क्षेत्र में पधारने पर स्वागत किया। उन्होंने क्षेत्र की कुछ विकासात्मक मांगे भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि जब से जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से राज्य प्रगति व समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बालीचौक खंड को पिछड़ा खंड घोषित करने का आग्रह किया। भाजपा सरास मंडल के अध्यक्ष शेर सिंह ने मुख्यमंत्री तथा अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने क्षेत्र में लंबे समय से चल रही पुल की मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा, नाचन के विधायक विनोद कुमार,
मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा, पूर्व विधायक कन्हैया लाल ठाकुर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू, उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर, पुलिस अधीक्षक गुरुदेव शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे।